2 मीटर भाई 9 महीने आंदोलन को पूरे हो गए। आज अखिल भारतीय सम्मेलन किसानों का रखा गया है, क्या कुछ आगे की नीति तैयार हुई? देखो आज यहाँ पे पूरा जत्थेबंदी यहाँ पे है और भी आगे की जो भी नीति तय करेंगे उस पर चलेंगे। ये तो संयुक्त मोर्चा है, किसी एक आदमी का ना ही आंदोलन है। और इस लड़ाई में इसीलिए फायदा है कि ये किसी एक जत्थेबंदी की एक नेता की उस अगुवाई नहीं, इसके 40 लीडर हैं और मजबूत लीडर है 40 के 40, और जो भी तय करेंगे पूरे भारतवर्ष के लिए तय होगा। टिकेट जी घोषणा की गई है पंजाब में बीजेपी का ही विरोध संयुक्त किसान मोर्चा करेगा, सारी जगह करेंगे, जब लड़ाई उनसे है तो नहीं का होगा। और बीजेपी की सरकार है कहाँ, ये तो कंपनी की सरकार है, कंपनी की सरकार है, बीजेपी की सरकार तो होती बात कर लेती भाई, ये तो वैसे ही मोहरा बन रहे। टिकेट जी क्या कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है? हाँ बड़ा फैसला तो लेंगे, बिना बटे छह फैसले। यूपी मिशन, पंजाब मिशन, उत्तराखंड मिशन और देश मिशन है ये तो आया था। देश मिशन पे जो भी संयुक्त मोर्चा तय करेगा उसको काम कर, अभी गए थे हम तमिलनाडु में, पूरा देश दुखी है और पूरा देश संयुक्त मोर्चे के साथ मिल रहा है, इसलिए देश मिशन है। आज 9 महीने पूरे हो चुके हैं किसानी आंदोलन, ताकि बखरा सम्मेलन रखा गया ताकि सरकार से कोई असर हो सके, किवें देखते हो बखरे बखरे स्टेटा जो आ रहे हैं? अपनी बातचीत करेंगे और एक रूपरेखा तैयार करेंगे कि आने वाले टाइम पे आंदोलन को कैसे लड़ा जाए, उसकी रणनीति यहाँ पे बनाएंगे। बकरे बकरे आंदोलन से लोग आए हैं, पूरे देश से लोग आए, तो उनकी बातचीत सुनेंगे, उनकी विचारधारा सुनेंगे और वे अपने इसी विचारधारा को लेकर अपने स्टेट जाएंगे अपनी बातचीत। मेन मकसद ये है कि 3 कानून वापसी हो, MSP पे गारंटी कानून बने और जो और कानून लेकर आ रहे हैं वो देश बचे। अब तो ये है कि देश कैसे बचना है उसकी लड़ाई। जी कन्वेंशन की गल कर रहे हैं, कन्वेंशन दे विच की तुसीं आपके एजेंडे लैके गल करोगे, लोगों के नाल आपस दे विच की गलबात करेंगे? आप अपने स्टेट से जो लोग आए वो आप अपनी बात रखेंगे आप जी, और उसी से ही एक पूरा फार्मूला ड्राफ्ट करेंगे जी। तुसीं देख सकते हो वड्डी बैठक की गई है लखनऊ दे विच, जिथे तुसीं भी मौजूद सी, होर भी सारे सुरजीत सिंह फूल होर कई आगू जिहड़े गए सी, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਲੱਗਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲਖਨਊ ਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੋਲ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ? ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਕੋਈ ਟੋਲ ਪੇ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡੇ ਕੇ ਲਈ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਝੰਡਾ ਜੋ ਲਗਾਏਗਾ ਵੋ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਸੇ ਫ੍ਰੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮੇਂ ਚਲੇਗਾ ਜੀ। किसानी झंडा लगा है 600 रुपए मांगती मांगी नहीं नहीं, अगर किसानी झंडा है तो नहीं मांगेगा। 5 सितंबर को किस तरह की रैली देखेंगे आप? जब आओगे तो वहीं बताएंगे जी, वो अंकुश से देखनी पड़ेगी जो लोग इतना जल्दी जा सकता होगा। वो बीजेपी सरकार भी लगातार ये गल कह रही है कि साडी सरकार ही इस बारी भी बढ़ेगी, इस बार कोई बात क्या पता किसकी सरकार बनेगी, क्या आंदोलनकारियों को जो प्राप्त कोई न बोच है राज करेगा खालसा, कुआर हुए सब मिलेंगे, वाहिगुरु नाम जहाज है। हमारी स्टीयरिंग कमेटी तैयारी कमेटी के कन्वीनर डॉक्टर आशीष मित्तल जी वो प्रोग्राम को शुरू करवाएंगे, तो उसके बाद बाकायदा प्रोग्राम चलता रहेगा। साथियों सभी कन्वीनिंग कमेटी के